नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्टोरी आज मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज इससे अच्छे दिन इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज ही के दिन राम भगवान ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो ये जो रामायण की स्टोरी मैं लेकर आया था, यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँचे थे, जो ताड़का वध हुआ था वहाँ पे हम पहुँचे थे। लेकिन क्योंकि आज ये विशेष समय है, विशेष तिथि है, विशेष पर्व है, इसलिए मैं रावण वध को आज के दिन ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा समय है, बाकी स्टोरी को भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज ये बहुत ही अच्छा समय है इसलिए मैं स्टोरी को लेकर आया हूँ, इस कथा को लेकर आया हूँ। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी ट्रांसलेशन है जिसका टाइटल है रावणा स्लेन, रावण का वध। स्लेन यानी होता है किसी को मार डालना, मारा जाना, तो रावण का वध, वध करना यानी मार देना, ठीक है। तो रावण का वध, तो ये सभी तो आपको पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन हमें देखना है कौन कौन से नए नए वर्ड्स की यहाँ पे हमें जानकारी मिलने वाली है, हम कौन कौन से न्यू न्यू वर्ड सीखने वाले हैं, प्रोनंसिएशन सीखने वाले हैं, मीनिंग सीखने वाले हैं, तो वो सब आज लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, द सन्स डेथ डीमोरलाइज्ड रावणा। द सन्स अपोस्ट्रोफी काकी के, यानी बेटों की डेथ यानी मृत्यु, बेटों की मृत्यु डीमोरलाइज्ड, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, जो दिल टूट जाता है, हार मान जाते हैं, उसे इंग्लिश में डीमोरलाइज कहते हैं। तो वो हतोत्साहित कर दिया था किसे, रावणा को, रावण को, ठीक है। इंग्लिश में से रावणा ऐसे पढ़ते हैं, एक्चुअल में रावण है, ये जोड़ते हैं रामा कृष्णा रावणा, आप सभी देखे होंगे। तो रावण, रावण को हतोत्साहित कर दिया क्योंकि भाई उसके बच्चे मरते गए, मर गए, तो भाई हो गए, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन देखिए, बट हिज एरोगेंस एंड एंगर डिडंट गो अवे, लेकिन उसका एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान, जो बोलते हैं ना घमंड होना अपने आप में, उसे हम अभिमान होना, उसे एरोगेंस बोलते हैं। लेकिन उसका जो अभिमान था, घमंड था, और एंगर क्रोध, डिडंट गो अवे यानी नहीं गया, क्रोध और अभिमान नहीं गया, यानी अभी भी हार नहीं मान रहा है। रावणा वॉन्टेड टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज डियर वंस। रावणा वांटेड, रावण चाहता था, वांट यानी चाहना, वांटेड पास्ट टेंस, चाहता था क्या करना, टू अवेंज यानी बदला लेना। ये अवेंज आपने सुना होगा, अवेंजर्स मूवी आपने सुना होगा ना, अवेंजर्स बोलते हैं, अवेंज यानी बदला लेना, अवेंजर्स यानी क्या होगा, बदला लेने वाले, तो भाई वो बदला ही लेते हैं, आप सभी को पता है, तो भाई अवेंज से अवेंजर्स बनाए, ठीक है। अवेंज यानी बदला लेने के लिए द डेथ मृत्यु ऑफ यानी कि हिज डियर, उनके डियर वंस यानी उनके प्यारे, यानी उनके जो प्रिय थे, बेटे थे और भाई थे, जो भी थे उनके परिवार वाले, तो उनके जो प्यारे लोग थे, डियर वंस यानी उनके प्रिय लोग, प्रिय व्यक्ति, तो उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए, ही केम टू बैटल अगेंस्ट रामा विथ अ ह्यूज आर्मी। ही केम, वह आया, देखिए बाकी सबकी तो मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई मतलब उनका वध कर दिया गया भगवान के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, राम भगवान के द्वारा। वह आए टू बैटल, बैटल यानी युद्ध करने के लिए, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, ठीक है, खिलाफ, विरुद्ध, रामा, राम के विरुद्ध, कौन, वो जो रावण थे, विथ अ ह्यूज आर्मी, विथ यानी साथ में, अ ह्यूज इसे ह्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूज यानी विशाल, बहुत बड़ा, आर्मी यानी जो उसकी सेना, बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने आया। फिर क्या हुआ, देखिए, द बैटल, ठीक है, द बैटल, अभी से आप क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं रेस्ड ऑन, ठीक है, बैटल रेस्ड ऑन, तो रेस्ड ऑन का मतलब होता है छिड़ जाना, क्या छिड़ जाना, बैटल रेस्ड ऑन यानी लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई या युद्ध छिड़ गई। हनुमान, हनुमाना लिखा हुआ है, देखिए हनुमान, अंगदा, अंगद, हिंदी नाम में ऐसे होता है, आप देखेंगे लास्ट में ए, उन लोग पूरा कंप्लीट करने के लिए ए जोड़ देते हैं, हनुमाना हनुमान बस लिख सकते हैं, लेकिन एन को कंप्लीट करने के लिए ए जोड़ देते हैं, हनुमाना तो हनुमान, अंगदा तो अंगद, सुग्रीवा तो देखिए सुग्रीव, जामवंता तो जामवंत, ए ए आपको ज़्यादातर मिलेगा, तो हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवंत वर
डिस्ट्रॉइंग डेमन्स विथ अपरूटेड ट्रीज एंड लार्ज रॉक्स। अब यहां पे देखते हैं, ये जो थे वर क्या थे, डिस्ट्रॉइंग यानी कर रहे थे, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म, डिस्ट्रॉइंग यानी होता नष्ट करना, तो नष्ट कर रहे थे डेमन्स, डेमन्स यानी राक्षसों का, दानवों का, विथ यानी से, किससे कर रहे थे, अपरूटेड ट्रीज, अपरूटेड यानी जड़ से उखाड़ना, यानी जो पेड़ को जड़ से उखाड़ते ना, तो जड़ से उखाड़ कर, है ना, एंड लार्ज रॉक्स, लार्ज यानी बड़े बड़े विशाल रॉक्स यानी चट्टान, यानी पेड़ को उखाड़कर, उखड़े हुए पेड़ से और बड़े बड़े चट्टान से वो क्या कर रहे थे, राक्षसों को नष्ट कर रहे थे। फॉर डेमन्स, डेमन इट वॉज डू और डाई सिचुएशन, फॉर यानी के लिए, डेमन्स यानी दानवों के लिए, राक्षसों के लिए, इट वॉज ये था, क्या था, डू और डाई, डू और डाई सिचुएशन यानी जीने या मरने की स्थिति, या तो जियो या तो मरो, है ना, यानी लड़ना ही था उनको, तो उसे डू और डाई सिचुएशन बोलते हैं, जीने मरने की स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई थी, या तो भाई जीना है या मरना है, तो डू और नहीं, करो या मरो, डू और डाई, सॉरी जीने मरने नहीं, डू यानी करना होता है, तो करो या मरो की स्थिति, भाई नहीं करोगे तो भी मरना है, उससे अच्छा करो नहीं तो मरो, तो उसे लड़ाई करना ही था, तो उसे डू और डाई सिचुएशन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, द बैटल ड्रैग्ड ऑन, द बैटल युद्ध ड्रैग्ड ऑन, यहां पे हमने क्या देखा, रैग्ड ऑन, तो ये जो था रैज ऑन था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि क्या बताया था मैं, छिड़ गई थी, युद्ध छिड़ गई, लेकिन यहां पे ड्रैग्ड ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ड्रैग्ड ऑन, बैटल यानी युद्ध, ठीक है, ड्रैग्ड ऑन, ड्रैग मतलब होता है खींचना, तो ड्रैग्ड ऑन का मतलब होता है खींच गई, यानी कि लड़ाई लंबी हो गई, लड़ाई खींचना, लड़ाई लंबी होना, ऐसे मतलब होगा, तो लड़ाई क्या हुई, लंबी हुई, लंबी खींची। रामा कट डाउन ऑल द 10 हेड्स ऑफ रावणा, तो राम ने क्या किया, कट डाउन यानी काट दिया, नीचे काट के, नीचे गिराने से कट डाउन बोलते हैं, काट गिराया किसे, ऑल यानी सभी, द 10 हेड्स यानी सभी 10 सिरों को, बोलते हैं रावण के 10 सिर थे, तो उसे 10 सिरों को काट गिराया, ठीक है, ऑफ रावणा, रावणा यानी रावण के, फिर क्या हुआ, बट लेकिन ईच टाइम द सेवर्ड हेड, ठीक है, ईच टाइम, ईच टाइम यानी लेकिन प्रत्येक समय, ईच टाइम का मतलब होता है प्रत्येक समय, हर समय, ठीक है, उसने क्या किया, द सेवर्ड हेड, सेवर्ड, सेवर्ड मतलब होता है कटे हुए, टूटे हुए, उसे हम सेवर्ड बोलते हैं, लेकिन सेवर्ड हेड, कटे हुए सिर, रिजॉइन, रिजॉइन यानी पुनः संयुक्त हो जाना, फिर से जुड़ जाना, रिजॉइन होते हैं, फिर से जुड़ गए, द नेक यानी गर्दन से, यानी कटे हुए सिर गर्दन से फिर से जुड़ गए, टू बिकम एज बिफोर, टू बिकम एज बिफोर यानी पहले की तरह, जैसे पहले थे उसी की तरह फिर से जुड़ गए, सिर काटते जाते थे फिर जुड़ते जाता था, फिर क्या हुआ देखिए, विभीषणा रिवील टू रामा, तो विभीषणा, तो विभीषण ने रिवील, रिवील यानी क्या होता है, प्रकट करना, प्रकाशित करना, किसी चीज को सामने लाना, तो उन्होंने बात को सामने लाए, प्रकट किया, क्या बात किया, देखिए क्या प्रकट किया, टू रामा, राम के सामने प्रकट किया, लॉर्ड हे प्रभु, रावणा हैज नेक्टर पॉड इनसाइड, रावणा हैज, तो रावण के पास है, हैज किस, हैज या फिर हैव, किसी के पास कुछ चीज है, हैड किसी के पास कुछ चीज था, तो रावण के पास क्या है, नेक्टर पॉट यानी नेक्टर की, नेक्टर अमृत, पॉट यानी होता है कली, कली का पॉट बोलते हैं, ठीक है, तो अमृत का छोटा सा कलश है, कलश जो बोलते हैं, अमृत कलश है या अमृत की कली, दोनों इसका मतलब आप निकाल सकते हैं, तो फली जिसे बोलते हैं ना, फली, उसे भी पॉट कहा है, कली नहीं सॉरी फली, तो अमृत की फली या अमृत कलश भी बोल सकते हैं, इनसाइड इज, इनसाइड यानी अंदर या भीतर, हिस यानी उसके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेवल, नेवल तो किसे किसे पता है, नेवल का मतलब, नेवल यानी होता है नाभि, जो पेट के बीच में गोल गहरा हिस्सा होता है नाभि कहते हैं, तो पूरा मतलब क्या है कि रावण के पास क्या है, एक अमृत कलश है उसके नाभि के अंदर, अंटिल इट इज नॉट पंचर्ड, अंटिल जब तक, इट इज नॉट पंचर यानी इसे, नॉट यानी नहीं, पंचर्ड, पंचर करना है क्या होता है, चुभा देना, ठीक है, पंचर करना ना कुछ ही चुभा देना, भोंग देना, ऐसे बोलते हैं ना भाई, जब तक इसे पंचर नहीं किया, चुभाया नहीं जाएगा, या तीर से उसे क्या नहीं किया जाएगा, छेद नहीं किया जाएगा,
एंड और द नेक्टर नॉट स्पिल्ड, और है ना द नेक्टर अमृत नॉट स्पिल्ड, यानी क्या नहीं होगा, स्पिल्ड यानी होता है बिखरना, जब तक नहीं बिखरेगा, और ड्राइड अप या, और यानी या ड्राइड अप यानी सूखेगा, है ना भाई, जब तक जो अमृत है वो बिखरेगा नहीं या फिर सूखेगा नहीं, रावणा वॉन्ट डाई, रावण वॉन्ट डाई, वॉन्ट यानी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, डाई यानी मरना, तो क्या होगा पूरा मतलब, रावण नहीं मरेगा, यानी उसका अमृत कलश को आपको पंचर करना होगा भैया, तीर से उसे आपको छेद करना ही होगा, पंचर करना होगा, नहीं तो वो नहीं मरेगा। हिट हिज, हिट हिज नेवल, हिट हिट यानी मारो, है ना निशान, हिट करना मारना, हिज नेवल उसके नाभि पर, उसके नाभि पर निशाना लगाओ मारो। रामा शॉट, एंड रामा ने क्या कि शॉट, शॉट करना यानी भाई निशाना लगाना या किसी को मारना, उसे शॉट बोलते हैं निशाना लगाना, तो उन्होंने क्या निशाना लगाया, एंड एक इन्वॉक्ड एरो, ठीक है, ये इन्वॉक्ड का मतलब क्या होता है, इन्वॉक्ड मतलब होता है अभिमंत्रित, जो मंत्र पढ़ के ऐसे ऊपर तीर को ऐसे लगा के मंत्र पढ़ते थे ना, मंत्र, उसे इन्वॉक्ड बोलते हैं, अभिमंत्रित तीर चलाई, ठीक है, शॉर्ट किया चलाई, एट द नेवल ऑफ रावणा, एट यानी पर, द नेवल यानी नाभि पर ऑफ रावणा, रावण के नाभि पर तीर चलाई, मंत्र मंत्र पढ़ा हुआ, विच हिट द टारगेट, विच विच यानी जो, हिट यानी निशाना जिसपे लगा, हिट यानी जिसने मारा, द टारगेट यानी लक्ष्य को भेद दिया, टारगेट यानी होता है निशाना है फिर लक्ष्य, और उस तीर ने क्या कर दिया, टारगेट को भेद दिया, लक्ष्य को भेद दिया, द रेड हॉट एरो, एरो हेड, ठीक है, द रेड हॉट यानी एकदम लाल गर्म, जो एकदम तीर क्या होता है लाल लाल गर्म दिखता है ना, कुछ ही गर्म होता है, तो उसका जो हेड था, हेड यानी होता है उसका सिर, तीर का जो सिर था, जो नुकीला भाग था, वो क्या कैसे दिख रहा था, एकदम लाल गर्म, बर्न अप द नेक्टर, बर्न अप यानी जला दिया, द नेक्टर अमृत को जला दिया वो लाल लाल गर्म गर्म तीर मंत्र से अभिमंत्रित, इट शूक रावणा, और ये क्या किया, शूक रावणा, शूक यानी हिला दिया, रावण को हिला दिया, एंड ही और वह क्या हो गए, वो हो गए कोलेप्स, कोलेप्स मतलब होता है कोलेप्स्ड, कोलेप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर गया, और रावण गिर गया, लाइक यानी जैसे, एन अप्रूटेड ट्री टू डाई, एन अप्रूटेड ट्री यानी एक जो अप्रूटेड है ना, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ के जैसे, टू डाई मरने के लिए, और जैसे कि जैसे एक पेड़ होता है ना जो जड़ से उखड़ के मर जाता है, उसी की तरह वो नीचे गिर गया और क्या हो गया, मर गया। रावणास डेथ वॉज ग्रीटेड विथ विक्ट्री, ठीक है, रावणास डेथ, रावण की मृत्यु वॉज ग्रीटेड, ग्रीटेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना बधाई देना, ग्रीट करना, अभिनंदन करना, ठीक है, तो बधाई दिया गया, अभिवादन किया गया, विथ विक्ट्री स्क्रीम्स, विक्ट्री यानी होता है जीत की जो आवाज होती है ना, स्क्रीम्स यानी क्या होता है, जो चिल्लाना, आवाज करना, तो जीत की जो आवाज होती है चिल्लाना, जीत की खुशी में जोर जोर से चिल्लाना, उसके साथ अभिवादन किया गया चिल्लाकर, ठीक है, ऑफ मंकीज यानी बंदरों के द्वारा, एंड रामा वॉज हेल्ड, और रामा क्या हो गए थे, हेल्ड, अब ये वाला हेल्ड का मतलब क्या होगा, ये वाला हेल्ड का मतलब होना चाहिए द डेमन्स, हेल्ड यानी हो सकता है स्वागत करना, कभी हम यहाँ पे हेल्ड का मतलब निकालते हैं, तो रामा क्या, रामा का क्या किया गया था, स्वागत किया गया, उसे भी हेल्ड कहा जाता है, ठीक है, नमस्कार करना, अभिवादन करना, उसे भी हेल्ड कहा जाता है, उनका अभिवादन किया गया, नमस्कार किया गया, द डेमन्स और जो राक्षस थे, ठीक है, वो क्या हो गए थे, कैपिचुलेटेड, कैपिचुलेटेड, कैपिचुलेटेड का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, हथियार डाल देना, और जो राक्षस थे, दानव थे, उन्होंने अपना हथियार डाल दिया, ठीक है, दस इस प्रकार द बैटल ऑफ लंका वॉज वन बाय रामा, इस प्रकार द बैटल यानी युद्ध ऑफ लंका यानी लंका का युद्ध वॉज वन बाय रामा यानी राम के द्वारा जीत लिया गया, और इस प्रकार से लंका का जो युद्ध था वो भगवान श्री राम के द्वारा जीत ली गई, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान राम ने रावण का वध किया, और इसी दिन के उपलक्ष्य में, इसी खुशी में कि एक राक्षस का संहार किया भगवान ने, और अपनी पत्नी माता सीता को वहाँ से क्या किया, भगवान श्री राम ने उनसे स्वतंत्र कराया, और
इस प्रकार से आज के दिन इसलिए विजयादशमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस रावण का वध तो एक बार हो चुका है, लेकिन हमारे अंदर का जो रावण है, जो बुराइयां हैं, उसे हमें खुद ही मारना होगा। राम भी हमें ही बनना है और हमारे अंदर के रावण को भी हमें ही मारना है। तो आप भी दशहरा में संकल्प लीजिए कि सबको अपनी बुराइयां पता होती है, लेकिन खुद को आप मना के रखते, नहीं मेरे में बुराई नहीं है, लेकिन जानते सभी अपने में क्या क्या बुराई है। तो कोशिश कीजिए कि इस दशहरा आप वो जो बुराई रूपी रावण है ना, या फिर रावण रूपी बुराई बोल सकते हैं, उसका आपको वध करना है और दशहरा को आपको बहुत अच्छी तरीके से मनाना है, तभी आपका जो दशहरा का त्यौहार है वो सार्थक होगा। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार आप सभी को हैप्पी दशहरा, विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।